हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रैनी चैप्टर 2 जो कि एक हॉरर गेम है उसको हम खेलने वाले हैं और ग्रैनी के हाउस से हम आज एस्केप करेंगे। तो हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग एस्केप कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा हॉरर है। तो हमारा डे 1 स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है और हमारा प्लेयर है जो कि यहाँ पर उठ चुका है और आज हम इसको एस्केप करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं गेट खोलकर और ऊपर की तरफ चलते हैं और सामान इकट्ठा वगैरह जो भी मतलब मिलता है और उस हिसाब से एस्केप करेंगे। और ग्रैंडपा सामने दिख चुके हैं और हम लोग इस तरफ से भागते हैं जिससे ग्रैंडपा हमको ना पकड़ पाएँ। तो इस रूम में चल के हम लोग इधर देखते हैं कि कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर तो खैर कुछ है नहीं, लेकिन ग्रैनी हम लोगों का पीछा करते करते पता नहीं कब आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो अब हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे ग्रैनी का जाने का कि वो कब जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे और वेट करेंगे और देखेंगे। तो अब खैर ग्रैनी चली तो गई है, अब हम लोग भी चलते हैं और सामान वगैरह वगैरह जो भी मिलता है वो सब इकट्ठा करके एस्केप करके इस हाउस से जाते हैं। एंड ग्रैनी उस साइड जा रही है और हम लोगों को भी अभी मतलब ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे सामान नहीं मिलने वाला है। तो मुझे और चलते हैं। अरे नहीं, ग्रैनी पीछे पड़ गई थी और मार भी दिया। हमारा तो डे 1 वेस्ट चला गया, अब डे 2 देखते हैं। अब डे 2 में 1 डे वेस्ट हो गया है। अब 5 डेज मिलते हैं इस गेम में, तो डे 1 तो हमारा वेस्ट ही हो चुका है। अब फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर से हम लोग हिम्मत करके सामान इकट्ठा करेंगे। खैर अभी तक कुछ मिला तो है नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे छुप जाते हैं हम लोग जल्दी। और मुझे लग रहा है ग्रैनी आ ही रही है। तो ये देखो ग्रैनी आ चुकी है, इसके जाएंगे फिर हम लोग कमरे वमरे में सब सामान। उन्हों ग्रैंडपा ने देख लिया, वो नीचे से अटैक करेगा। अरे मतलब कितनी आसानी से हमारा डे 2 भी वेस्ट हो गया। अब डे 3 है तो देखते हैं कुछ मतलब। तो अभी तक कुछ मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ग्रैनी और ग्रैंडपा ही अटैक किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं। तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे सीधे और इस बार तो हम लोग पक्का ही कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गया है। तो अब ग्रैनी को आराम से जाने देते हैं, लेकिन नहीं, हमने फिर से जल्दबाजी कर दी और ग्रैनी ने हमको यहीं पीट दिया। तो अब हमारा डे 3 भी बहुत अच्छे से वेस्ट हो गया और डे 4 है। तो डे 4 में हमारा प्लेयर मतलब स्क्रीन उसकी एकदम खून से रंग चुकी है। तो अब हम चलते हैं ऊपर, सोचा है कि कुछ तो करेंगे। अब हम लोग इधर देखते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा किधर साइड हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना अगला कदम उठाएंगे। तो इधर तो ग्रैंडपा हैं नहीं, तो अब वेट करना पड़ेगा शायद से। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे हैं ग्रैंडपा। तो नीचे तो है नहीं ग्रैंडपा, तो शायद ऊपर से होंगे। तो हम लोग साउंड कर देते हैं जिससे ग्रैनी या फिर ग्रैंडपा जो कि नीचे आएंगे और हम लोग यहाँ से घूम के हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अगर ये ट्रिक हम लोगों ने पहले अपनाई होती तो हम लोग कब का गेम स्टार्ट ही हमारा हो चुका होता, लेकिन नहीं। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा नीचे हैं और जल्दी से स्केप करते हैं और देखते हैं सामान को ढूंढते हैं। वैसे भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही वेस्ट चला गया। इस डोर को खोल देते हैं, इमरजेंसी डोर को, और इसको भी गिरा देते हैं शॉर्टकट। अरे नहीं, हम लोग ही गिर चुके हैं। अब यहाँ पर छुप जाते हैं क्योंकि साउंड हो चुकी है और ग्रैनी कहीं आ गई। इसे खोल कर देखा पर इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर हम लोग छुप जाते हैं, अगर ग्रैनी अगर कुछ कोई भी आएगा मतलब बच जाएंगे क्योंकि हमारी साउंड हो चुकी है हमारी वेवकूफ़ी की वजह से। तो देखते हैं धीरे धीरे करके कि कहाँ पर ग्रैनी। तो नीचे तो है नहीं ग्रैनी, तो अब चलते ऊपर। ओके, ग्रैंडपा सो रहे हैं गहरी नींद, तो ये सिक्योरिटी की हम लोग ले देते हैं इनसे और ऊपर चलते हैं आराम से धीरे धीरे से। देखते हैं इस डोर को भी बंद कर देते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है खाली है। इसमें स्टन गन है। तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि ग्रैंडपा पीछे से आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आई है, जीने से आ रहे हैं। और ग्रैनी भी नीचे जा चुकी है और ग्रैंडपा ऊपर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं सिक्योरिटी कैमरा में और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खास मिलता है भी कि नहीं मिलता, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हैंडवील है और इसमें क्या है, इसमें वेपन की हम लोगों को मिली, ये खाली है और ये भी खाली है। मतलब ज़्यादातर ड्रॉप खाली रहती है। हम वेपन की उठाएंगे और नीचे चलेंगे।
ग्रैंडपा तो खैर अभी नीचे थे, देखते हैं आराम से। कोई नहीं, अब नीचे चलेंगे आराम से। इसको भी खोल के देखें, इसमें ग्लास फ्यूज़ है जो कि काम आएगा हमारे आगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है। एंड अब हम सोच रहे हैं कि पहले ग्रैनी और ग्रैंडपा को पहले मार दें स्टन गन से, जिससे हमारा रास्ता खाली हो जाए। तो यहाँ पर साउंड हो चुकी है। अब हम लोग इस रूम में चलते हैं और मतलब ग्रैनी का वेट करते हैं मारने के लिए। तो हम लोग वेट करेंगे। खैर अभी तो नहीं आ रही है। ओके, साउंड हम लोग करेंगे तो साउंड सुन के जो ग्रैनी है वो ऊपर आएगी भागते भागते, और जिससे हम उसे मार देंगे। पर वो अभी भी नहीं आ रही फ़िलहाल। एक और बार साउंड करेंगे। ओके, उठाएंगे। ओके, ग्रैनी आ गई। अरे नहीं, मुझे लगा वो सामने से आएगी, पर वो शॉर्टकट लेके पीछे से रास्ते से आ गई। अरे यार, तो अब हमारा लास्ट डे है। मुझे नहीं लगता हमारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो और भी ज़्यादा वीक हो चुका है, और खून की जो निशान है वो और भी ज़्यादा जा चुके हैं, आ चुके हैं मतलब। तो अब हम सीधे चलेंगे ऊपर, देखते हैं कैसा है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। ओके, ग्रैंडपा ऊपर जा रहे हैं, तो इसी रास्ते हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे, कि जिसे ग्रैंडपा ना देख पाए ऊपर चलेंगे। ओके ओके, ग्रैंडपा ग्रैनी धीरे धीरे जा रहे हैं। ग्रैनी शायद नीचे जा रही है और ग्रैंडपा शायद अपने उसमें जाएंगे, कैमरा वाले रूम में, सिक्योरिटी रूम में। तो हम लोग ये गेट, ओके नहीं वो गए हैं, अब वो नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। और जो ओके, ग्रैनी देख ली, इसको शॉर्ट करेंगे। ओके, लगी लगी लगी। ओके, अब ग्रैनी भी मतलब मर गई है 2 मिनट के लिए, तो बेहोश हो गई मतलब। तो ग्रैंडपा को भी मतलब मार दिया हमने, मतलब दोनों लोग अपने पड़ चुके हैं। अब हम लोग जल्दी से इस घर को अच्छे से एक्सप्लोर करके सामान जो नहीं, इसमें पैडलॉक की है। ओके ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं कि इसमें देखते क्या है। इसको हटा दिया। ओके, पहले किचन का देख लेते हैं, किचन में क्या सामान है। इसको खाली किया, इसमें कुछ नहीं। हेलीकॉप्टर थी, ये भी खाली है। इसमें रेंच है। ओके, ये खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, और ये भी खाली हुआ। और इसे तो खाली कर दो भाई, कुछ मिलता ही नहीं है। ओके, रेंच उठाते हैं और चलते हैं। ओके, क्रोवार हमें दिख चुका है, क्रोवार उधर है। तो इसको रेंच को हम लोग फेंकते हैं यहाँ पर और चलते हैं अंदर, क्रोवार उठाते हैं। तो क्रोवार तो बॉक्स खोलने काम आता है, जिससे हम लोग और भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्रोवार को हम लोग उठाएंगे। ओके ठीक है, ग्रैनी उठ चुकी है, इसका टाइम आउट हो चुका है। तो हम लोग को और भी संभल कर खेलना पड़ेगा। चलेंगे और बॉक्स को खोलेंगे। ओके ओके, ग्रैनी तुम पीछे से आओगे, हम आगे से जाएंगे। ओके ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं क्रोवार को लेके, और जो नीचे वाला बॉक्स है उसको खोलते हैं जल्दी से। और मुझे ये भी लग रहा है कि ग्रैनी उठ चुकी है, तो ग्रैंडपा भी उठ ही चुके होंगे, पर पता नहीं वो कहाँ पे हैं। अब उनको भी ढूंढो। चलो कोई नहीं, अब नीचे जाके क्रोवार खोलते। ओ ओके ठीक है, ग्रैंडपा छुपे बैठे थे हमारे इंतज़ार में और उन्होंने मार दिया। हमारा डे 5 भी ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में तो हमारा एस्केप नहीं हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का एस्केप करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो में। एंड मिलते हैं।